कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए, पिछली कक्षा में मैम ने आपसे कहा था मैम एक नया वर्ड लेकर आएंगे अगली कक्षा में। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया वर्ड, वर्ड व। क्या बोलेंगे इसको? व। याद रखिए बेटा, देखिए एक तो होता है ये जिसमें हम इस तरह करते हैं और एक होता है ये, इसको हम ब बोलते हैं, ब, और इसको व। दोनों में डिफरेंस है, ब व। तो आज हम सीखेंगे व, व कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बीच की तीन लाइनों में ये वर्ड बनेगा। आप ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन को छोड़ दीजिए। देखिए सबसे पहले आप जहां से बनाना शुरू करेंगे यानी कि सेकंड वाली लाइन, इस पर एक डॉट लगा लीजिए और एक जहां बनाकर आप खत्म करोगे यानी कि फोर्थ वाली लाइन, उस पर एक डॉट लगा लीजिए। इन डॉट्स को मिलाते हुए एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए। देखिए ये हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई। जैसे आपने बकरी वाले ब के लिए घुमाया था, वैसे ही हम बक वाले व के लिए घुमाएंगे। आपकी ये लाइन दिख रही है सेकेंड थर्ड, थर्ड लाइन से थोड़ा ऊपर अपनी पेंसिल को रखिए, यहां यहां डॉट लगा दीजिए और थर्ड लाइन से थोड़ा नीचे यहां एक यहां डॉट लगा दीजिए। अब इन टू डॉट्स को मिलाते हुए देखिए यहां फर्स्ट वाले डॉट से घुमाइए इस तरह, और सेकेंड वाला जो डॉट लगाया है वहां तक लाइए। याद रखिए ये दोनों डॉट्स मिलेंगे नहीं आपस में, ठीक है? ये ऊपर ही रह गया, ये नीचे ही रह गया। इस लाइन के जो थर्ड लाइन है इसके ऊपर रह गया ये और इसके नीचे रह गया ये। इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बन गया वो। अब फिर देखिए ये हमने टू डॉट्स लगाए, ये स्टैंडिंग लाइन बनाई। आपको यहां भी डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, आप इस लाइन से थोड़ा ऊपर अपनी पेंसिल को एक बार में रख लीजिए, इसको घुमाइए और इस लाइन के नीचे ही इस लाइन तक छोड़ दीजिए बस। इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बना दीजिए, बन गया हुआ। एक बार फिर देखिए, ये बनाया, इसको मिलाया और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाई, तो बन गया आपका व। कौन सा वर्ड बना? व। देखिए वट, वट एक वृक्ष होता है बेटा, एक पेड़ होता है बरगद का, जिसे हम वट वृक्ष बोलते हैं। तो हमने सीखा वट वाला व बनाना सीखा। ये क्या है? ये है वक। वक एक पक्षी होता है, तो वक वाला व। अब आपका गृह कार्य ये है, आपको इसी तरह वर्ण व अपनी कार्य पुस्तिका में बनाना है। अगली कक्षा में हम एक नया वर्ड बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।